दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ऑफ टेक में। चलो आज शुरू करते हैं। आपको देख चुके हैं ये कौन सी रोम है, आपको पता भी चला होगा, फोटो से ही पहचानते हैं। ये है पिक्सेल एक्सपीरियंस रोम है। पहले शुरू करते हैं इसका इसका सेटिंग में जाके देखते हैं सेटिंग में क्या क्या है। देखिए सेटिंग में जाते हैं। चलिए सेटिंग में रेडमी 5 देखिए, December 5, 2018, मतलब December 5 का पैचअप है, सिक्योरिटी पैचअप Android 1 में बेस्ट है, Android 8.1। अब कर्नल वर्जन आपको देख चुके हैं, कर्नल वर्जन देखिए बिल्ड नंबर, और सबसे वो तो बात है December 5, 2018, आज कितना December 27 सबसे लेटेस्ट है, अभी अभी रिलीज हुआ है। तो ये तो देखिए, उसके बाद देखते हैं ये रोम में क्या क्या वो है सेटिंग्स हैं। देखते हैं सेटिंग्स में, अब नेटवर्क में जाते हैं नेटवर्क। अब इसमें तो आपको हॉटस्पॉट काम करता है कि नहीं, वो पहले वाला में तो काम नहीं करता था, अब इसमें देखिए काम करता कि नहीं, हनीबल हो गया, ऊपर भी साइन है हॉटस्पॉट का, चलिए साइन। और इसमें ड्यूअल 4G भी सपोर्ट करता है, ड्यूअल 4G भी सपोर्ट करता है, LTE एक में, क्योंकि इसमें एक में अभी LTE उस चल रहा है, डाटा चल रहा है, और एक में डाटा नहीं चल रहा है, तो ऊपर साइन तो ऐसे क्रॉस आता है ना, वो पता है आपको, ड्यूअल 4G सपोर्ट करता है इसमें दोनों में। चलो ऐसा ही है। और उसके बाद इसमें वाईफाई तो काम करता है, आपको पता वाईफाई देखिए अभी सर्चिंग मोड में है ना, तो वाईफाई भी सर्च कर रहा है, तो वाईफाई जरूर काम करेगा, काम तो करेगा क्योंकि काम करता है इसमें। उसके बाद देखते हैं डेटा और हॉटस्पॉट तो हो गया है ना, अब ब्लूटूथ का देखते हैं, ब्लूटूथ काम करता है कि नहीं, चलो देखते हैं ब्लूटूथ काम कर रहा है, ऊपर ऊपर साइन भी आता है, देखिए ऊपर साइन आ गया, ब्लूटूथ काम कर रहा है ना, ये हो गया। और इसमें सिम कार्ड, तो सिम कार्ड आप देख चुके हैं, और फ़ोन डायल करते हैं, फ़ोन भी काम करेगा इसमें, क्यों नहीं काम। देखिए जैसे मैं इसमें अभी कॉल लगाता हूँ, वाइन जैसे बैलेंस इन्फो, हाँ बैलेंस इन्फो लगाते हैं, हाँ गलत है, मतलब शो कर रहा है ना, ओके दोनों में काम करता है वोल्टी भी, ये हो गया। और उसमें देखते हैं हम जा रहे हैं, हाँ कैमरा काम करता है कि नहीं, आपको लगता है कैमरा काम करता है कि नहीं, इसमें कैमरा है इनबिल्ट है ना, ये कैमरा, ये तो MIUI का कैमरा है, मैं MIUI का मॉड्यूल डाला हूँ, मॉडिफाइड मॉड्यूल, ये कैमरा काम करता है अच्छी तरीके से, फ़ोटो भी खींचता है ना, और आपको दिखा देता हूँ, फ़ोटो भी आता है ना, फ़ोटो आ गया अच्छे, काफ़ी अच्छे आता है। और यहाँ है स्कैन टेक्स, मतलब ये मतलब स्कैन करता है ना, ये इसको बोलते हैं कैमरा लेंस, एक गूगल लेंस, गूगल लेंस भी है, आपको गूगल लेंस भी दिखा रहे हैं, यहाँ गूगल गूगल लेंस का आपको ऑप्शन मिलेगा है। और देखिए डेल पता लगा, ये ऐसे वैसे में नहीं मिलता, ये मॉडिफाइड ऐप है, एप्लीकेशन से आपको अगर लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, कैमरा अच्छी तरीके से काम करता है। और फ्रंट कैमरा देखते हैं, अभी फ्रंट कैमरा भी काम करेगा, फ्रंट कैमरा भी काम कर रहा है अच्छी तरीके से, चलो हो गया। और ये तो हो गया, अब इसमें अब सोच वो करते हैं हम, कह रहे इसमें गूगल कैमरा कैसे इंस्टॉल करें, तो इसमें कैसे करना पड़े ना, पहले ये मैजिक्स ये डाउनलोड करना पड़ेगा और ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये 18.1 में, अभी 18.0 डालना है आपने, अगर 18.0 नहीं डाला तो इंस्टॉल होने में दिक्कत हो जाता है, तो ये पहले ये डालना है आपको। उसके बाद आपको इसको कह रहे ये इंस्टॉल मैजिक्स, मैजिक्स कोई भी TWRP में नहीं इंस्टॉल नहीं होगा, TWRP रिकवरी में इंस्टॉल नहीं होगा, इसलिए आपको बाटिक यूज करना पड़ेगा, बाटिक रोम। अभी बाटिक रोम का मैं आपको दिखा देता हूँ, बाटिक रोम कहाँ है, तो आपको ये बाटिक यूज करना पड़ेगा, मैजिक्स रोम, बाटिक तो अभी मेरे पास
डाउनलोड तो किया था मैंने बार्टिक्स नहीं, पर आपको एक्स जी साइट में मिलेगा बार्टिक्स, आपको वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। वर्जन तो अभी याद नहीं, पर मैं अभी डाला था फुल गेम वर्जन, तो वहाँ से डाउनलोड करना आपको वो बार्टिक्स। और उसके बाद इसको रूट एक्सेस देना पड़ेगा, रूट एक्सेस देने के लिए तो आपको मैजिक से डाउनलोड करना पड़ेगा। मैजिक से आपको 18 पॉइंट वर्जन में अभी दिखा दिया उसका वर्जन, तो वो इंस्टॉल करिए आपको, तो वो इंस्टॉल करेगा ना आप चलेगा। और इसमें देखते हैं पहले कैमरा टू एपीआई कैसे करें एक्टिवेट करते हैं। तो कैमरा टू एपीआई वो करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आप ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। कहाँ गया, हाँ ये इसका नाम है बिल्ड प्रो एडिटर। तो बिल्ड पूरा एडिटर डाउनलोड करना, इसका लोगो तो अभी देख लिया, तो उसमें जाके यहाँ जाके न्यू लाइन ऐड करना, कैमरा टू एपीआई ऐड करने के लिए। ध्यान से सुनिए, कैमरा टू एपीआई मोड अनेबल करने के लिए आपको पहले रूट एक्सेस देना पड़ेगा। रूट एक्सेस देने के लिए आपको मैजिक्स से पहले बार्टिक्स बार्टिक्स रिकवरी इसमें इंस्टॉल करना चाहिए। तो बार्टिक्स रिकवरी कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो पूछेंगे ना, तो बार्टिक्स रिकवरी को आपको वही TWRP में फ्लैश कर देना है, या तो आप डायरेक्ट पहले इंस्टॉल करिए, या तो अगर नहीं TWRP मोबाइल में इंस्टॉल है तो आपको बार्टिक्स उसमें उसी में फ्लैश करना है। तो वहां से इंस्टॉल हो गया, और उसमें लेजी फ्लैशर भी फ्लैश कर दीजिए। उसके बाद उसी में फिर मैजिक्स भी फ्लैश कर दीजिए, तो मैजिक्स फ्लैश कर दीजिए, वो जो लेटेस्ट वर्जन है वो फ्लैश कर देना। और उसके बाद ये बिल्ड प्रो डाउनलोड करना है एडिटर, तो वहाँ जाके यहाँ करे ऊपर जाके ऐड करना है न्यू लाइन। और न्यू लाइन में क्या करना है आपको, ऐड करना है इसमें अभी क्या था, हाँ PERSIST परसिस्ट डॉट कैमरा, अभी याद रुकिए, PERSIST परसिस्ट डॉट CAMARA कैमरा कैमरा स्पेस कैपिटल में YAL हॉल, और इसमें HALL3 इनेबल YALE इनेबल डॉट इसमें वैल्यू देना है 1 आपको। तो इसमें जाके सेव करिए, मैं तो सेव कर चुका हूँ, सेव कर रहे। और उसके बाद इसमें कैमरा टू एपीआई मॉड्यूल हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद ये कैसे पता चले कि कैसे पता चलेगा कि है कैमरा टू एपीआई अनेबल है कि नहीं, उसको कंफर्म कैसे कर सकते हैं। तो कैमरा टू एपीआई डाउनलोड करिए एपीआई, कैमरा टू एपीआई, उसके बाद ये जाके ये इंस्टॉल करना, चेक करने के लिए आपको इंस्टॉल है कि नहीं। तो इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद आपको जाना है चेकर मैनुअल उसी में, तो वहाँ यहाँ जाके और स्टार्ट बटन में जाइए और स्टार्ट करिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मैनुअल फोकस, मैनुअल वाइड बैलेंस, मैनुअल ISO, मैनुअल शटर, RWR सब इंस्टॉल्ड है, मतलब सब में टिक लगाया है ना। अभी फोकस नहीं दिखा रहा है कैमरा से, पूरा पूरा टिक है ना, आपको अच्छे से दिख रहा होगा अभी, तो ये टिक होना चाहिए। उसके बाद अब गूगल कैमरा डाउनलोड करिए ओरियो के लिए, तो ये तो ओरियो में है, तो ओरियो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ओरियो गूगल कैम डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद मैं तो इंस्टॉल कर चुका हूँ, अब गूगल कैमरा ओपन करते देखते हैं। देखिए गूगल कैमरा अच्छी तरीके से काम कर रहा है ना। अब मेरा फोटो देखते हैं इसमें, ये तो अभी खींचा था, ये फ्रंट कैमरे में काम कर रहा है ना, और खींच के दिखा देते हैं आपको। फर्स्ट में जाते हैं आपको लेंस ब्लर, देखिए अब इसको क्लिक कर रहा हूँ। ओके, कैमरा तो अच्छा है, काफी अच्छा ही खींचता है, कि गूगल कैमरा को पता होगा आपको। तो पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट तो सिर्फ फेस फेस के लिए काम करता है। तो आपको कैसे दिखा दूँ,
देखिए कैमरा तो अच्छा है, पोर्ट्रेट मोड तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। पोर्ट्रेट मोड तो काम करता है, लेंस प्रॉब्लम है क्या? मैं देखिए इसको बाहर करके दिखाता हूँ, इसमें तो नहीं है। चलिए कैमरा तो एपीआई तो अनेबल है, आपको देख चुके हैं ना। यहाँ यहाँ अच्छे से देखिए, यहाँ साइड में मैं सैंपल लिया था, अभी तो खींच के नहीं दिखा सकता क्योंकि कैमरा एक ही जगह में अटैच है, तो मैं अगर दूसरी जगह जाके खींचूंगा तो आपको नहीं दिखेगा अभी। तो यहाँ देखिए ये कैमरा टू एपीआई अनेबल करके खींचा था मैंने कैमरा, गूगल कैमरा। तो पीछे वाला ब्लर देखिए, और आगे वाला वो ब्लर नहीं है। और देखिए ये भी खींचा था मैंने, तो पीछे वाला पूरा बैकग्राउंड फ्रंट कैमरा से खींचा था, तो पीछे वाला पूरा बैकग्राउंड ब्लर है। पहले ऐसे फोटो था तो उसके बाद ये ब्लर हो गया, उसके बाद तो ये। अब इसमें एक लेंस के, इसमें स्टेबलाइजर भी है, स्टेबलाइजर दिखा देते हैं आपको। देखिए स्टेबलाइजर से फोटो खींचा था तो काफी स्टेबलाइज वीडियो स्टेबलाइज है ना, स्टेबलाइज आ रहा है जो मोशन डिटेक्ट कर रहा है ना, अच्छे से खींचता है स्टेबलाइजर भी। चलिए ये भी सही है, अच्छे से एंजॉय करना भाई। अगर अच्छा कोई भी कुछ चीज समझ में नहीं आया तो भाई अच्छे से पूछना वीडियो में, ये तो आप डेली रोम के लिए यूज कर सकते हैं। और बताते हैं इसमें मतलब लॉक कितना जल्दी काम करता है, लॉक भी मतलब अच्छे से तरीके से काम करता है। देखिए मैं झट से काम किया लॉक, अभी तो मैं इसमें ना फिंगरप्रिंट्स यूज नहीं किया, आपको आगे दिखा देता हूँ फिंगरप्रिंट यूज करके। तो फिंगरप्रिंट सेटिंग नहीं किया, तो जाते हैं सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी ऑप्शन, फिंगरप्रिंट ऐड करते हैं। अब इसमें तो कोई भी फेस अनलॉक है ही नहीं, तो आपको फेस अनलॉक मैं कैसे दिखा था। 68, चलिए फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, हाँ काम कर रहा है। सबसे सबसे मतलब जरूरी चीज तो यही है फिंगरप्रिंट, बिना फिंगरप्रिंट तो कुछ भी नहीं होता ना, आपको पता होगा। देखिए फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है, हाँ काम कर रहा है जड़ से, मैं कुछ नहीं किया, देखिए सिर्फ छुआ निकल गया है ना, बहुत जल्दी काम कर रहा है, छुआ निकल गया है ना। और ये तो हो गया, आप कोई भी चीज मतलब सब चीज काम कर रहा है इस, आप इसमें डेली रोम जैसा चला सकते हैं, कुछ आपका कुछ दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर कुछ इश्यूज नहीं है, चला सकते हैं। Redmi 5 ही है। अब अभी मैं इसके लिए कवर खरीदा था, ये कवर भी आप देख सकते हैं, मैं कवर का वीडियो तो नहीं बनाऊ, Redmi 5 का बहुत अच्छा है, 100 रुपये में मिला था मुझे, तो 100 रुपये में खरीद दिया मैंने। कैसा लगा है दोस्त, अच्छा है ना कवर? चलो ठीक है भाई, ज़्यादा ही लंबा हो गया वीडियो, रिव्यू है देखना, सब कुछ काम कर रहा है, मैसेज वैसेज सब टाइप हो रहा है, सब फोन कॉल पूरा जा रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर कुछ नया चीज़ मतलब डाउनलोड करना है तो मैजिक सिस्टम, आप मैजिक डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ डाउनलोड में जाके मतलब कोई भी नया चीज़ मोड मोड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, कैमरा इंस्टॉल करना है, म्यूजिक प्लेयर इंस्टॉल करना है, तो यहीं से जाके सब इंस्टॉल कर सकते हैं, सब कुछ इसी में है। कैमरा है, बीजी बॉक्स यहीं से है, बीजी बॉक्स भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, कैमरा फोन क्या चाइनीज कैमरा एपीआई, ये तो अभी दिखा दिया था, सब कुछ इसी में फेसबुक मैसेंजर इमोजी सब सब कुछ यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ओके दोस्तों थैंक यू फॉर वीडियो, अगर कुछ समझ में नया आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब देता हूँ। आपको पता होगा एक भी कमेंट में जवाब नहीं दिया, ऐसा कमेंट तो नहीं है, मैं जवाब तो देता हूँ, पूछिए अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आता। चलो अभी अभी के लिए इतना ही है। अब ब्राइटनेस सब काम कर रहा है, लो ब्राइटनेस ये सब, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस भी सब है इसमें, मैं अभी कुछ अनेबल नहीं किया, डबल 4 GB सब कुछ काम करेगा। ओके दोस्तों मिलते हैं दूसरा वीडियो में, ओके लव यू बाय।